तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है कि ये एक रॉड है, मोशनली मैं बीएलवी वाला क्वेश्चन है, पर प्रॉब्लम ये है कि एक्स इक्वल टू जीरो का पॉइंट है, एल लेंथ है, ये मैग्नेटिक फील्ड डॉट 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 दिख रहा है कहाँ तक, एक्स इक्वल टू बी तक, तो यहाँ तक ये एक्स इक्वल टू जीरो का पॉइंट है, एक्स इक्वल टू जीरो का पॉइंट है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये एक्स इक्वल टू बी की लाइन है, और ये जो एंड है एक्स इक्वल टू टू बी पे एंड है, तो एक्स इक्वल टू जीरो का पॉइंट है, एक्स इक्वल टू बी का पॉइंट है, एक्स इक्वल टू टू बी का पॉइंट है, तो आपकी रॉड यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ तक आती है, फिर यहाँ तक आती है, फिर कहते हैं वापस यहाँ पे आती है और फिर यहाँ चली जाती है, तो क्वेश्चन है रॉड एक्स जीरो से स्टार्ट होकर टू बी तक आती है, टू बी से जीरो पे चली जाती है, ये क्वेश्चन है। तो रॉड टू एंड फ्रो गई विद द वेलोसिटी ऑफ वी, तो लिखा हुआ है एक्स जीरो से बी तक, फिर एक्स ग्रेटर देन बी तक मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू जीरो है, और जीरो से बी तक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, रेजिस्टेंस वायर की या रॉड की आर है, पी क्यू को रॉड पी क्यू को मूव करवा रहे हैं जीरो से टू बी एंड देन मूव्ड बैक टू बी से वापस विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड वी। क्वेश्चन है फाइंड फ्लक्स क्या होगा, इंड्यूस करंट क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ क्या होगी, फोर्स क्या होगी, पावर क्या होगी, वही सेम डेरिवेशन है जो आपने नॉर्मल मोशनल ईएमएफ में की थी, बस फर्क ये है कि इसमें आधे में फील्ड है आधे में नहीं है, और फिर सभी ईएमएफ का करंट का पावर का फोर्स का ग्राफ प्लॉट करो टाइम के साथ कैसे वेरिएशन है। एक एक करके शुरू करते हैं, हम इसके अंदर इस क्वेश्चन को दो हिस्सों में ब्रेक कर रहे हैं, पहला हिस्सा जीरो से लेके बी तक, दूसरा हिस्सा बी से लेके टू बी तक, दो हिस्से हो गए, एक में मैग्नेटिक फील्ड है और एक में मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, राइट। जब ये रॉड राइट मूव कर रही है किसी भी इंस्टेंट पर, लेट अस सपोज इसकी लेंथ तो ऑब्वियसली एल है, किसी भी इंस्टेंट पर ये डिस्टेंस कितना है, एक्स है, तो ये एल है ये एक्स है, तो एरिया की वैल्यू यहां पर कितनी है, एल इंटू एक्स है, तो एरिया कितना है, एल इंटू एक्स है किसी भी इंस्टेंट पर, और ये बढ़ता जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्लक्स, मैंने इंटरवल दो बना लिए, ध्यान से देखना, पहला इंटरवल जीरो से लेके बी तक, जीरो से लेके बी तक, दूसरा इंटरवल बी से लेके टू बी तक, इंपॉर्टेंट ये है जीरो इंक्लूडेड है बी इंक्लूडेड नहीं है, यहां पर बी इंक्लूडेड है टू बी इंक्लूडेड नहीं है, तो बी का जो बी पॉइंट है एक्स इक्वल टू बी वो राइट साइड पे इंक्लूड किया गया है, वो क्यों किया बताता हूं अभी, दो मिनट रुको, यहां तक दो रीजन ले लिए, पहला रीजन है जीरो से बी, जीरो से बी तक अभी हमने क्या डिस्कस किया, एरिया किसी भी इंस्टेंट पे क्या होगा, एल इंटू एक्स, और मैग्नेटिक फील्ड बी, तो फ्लक्स क्या होगा, बी इंटू एरिया, तो वेरिएबल फ्लक्स होगा, जैसे जैसे रॉड जीरो से स्मॉल बी तक आती जाएगी आपका फ्लक्स बढ़ता जाएगा एक्स के साथ, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, बी एल इंटू एक्स, राइट। जब रॉड बिल्कुल बी पे खड़ी हो जाएगी यहां पे, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल बी, एक्स इक्वल टू स्मॉल बी, उसके बाद फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि पूरी जर्नी में उसने फ्लक्स को बढ़ाया, मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पूरी जर्नी में 10 लास्ट वैल्यू क्या थी, 10, 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 9, 8, 7 सो ऑन, तो पूरी जर्नी में लास्ट वैल्यू ऑफ फ्लक्स 10 थी, तो इसलिए पूरी जर्नी में लास्ट वैल्यू ऑफ फ्लक्स पता है क्या थी, जब आपने यहां पर स्मॉल एक्स को क्या पुट कर दिया, स्मॉल बी, तो आपका जो फ्लक्स है जीरो और टू बी के अंदर वो जीरो नहीं होगा, वो मतलब उसने इंक्रीज करना बंद कर दिया, जब वो रॉड मूव कर रही थी फ्लक्स इंक्रीज हो रहा था, फिर बढ़ना बंद हो गया और लास्ट वैल्यू कितनी थी, बी एल इंटू स्मॉल बी, बस ये इंपॉर्टेंट है इसमें, कैपिटल देखो ऐसा है, पूरी जर्नी में फेराडे ने कहा था कितनी लाइन काटती हुई आई, तो तुमने कहा एक्स इक्वल टू स्मॉल जीरो से स्टार्ट हुआ स्मॉल बी तक उसने 100 लाइंस काट दी, फिर तुमने तुम डायग्राम मत देखो और सोचो, मैं बता रहा हूँ पूरी जर्नी में स्मॉल बी टू बी तक में ले आया, तुमने डायग्राम को नहीं देखना, तुमने मुझसे पूछा कि सर फ्लक्स कितना चेंज हुआ मैक्सिमम, मैंने कहा पूरी जर्नी के अंदर फ्लक्स
100 चेंज हुआ, मैं 100 के ऊपर गया ही नहीं, तो वो काउंट होगा पूरी जर्नी में, क्योंकि पूरी जर्नी में आधे में फील्ड है आधे में नहीं है, या तो बिल्कुल ना होता फिर लक्स चेंज ही नहीं हुआ, जीरो था। पर जब तक वो बढ़ रहा था उसके बाद बढ़ना बंद हो गया, ये बोलो, ये मत बोलो कि जीरो हो गया, बढ़ना बंद हो गया। तो इसलिए जो ग्राफ है ना वो ऐसा बनेगा फ्लक्स का, स्मॉल बी तक वो बढ़ गया, स्मॉल बी से लेके 2B तक कांस्टेंट रहा, फिर वापस 2B से स्मॉल बी तक कांस्टेंट रहा, फिर स्मॉल बी से जीरो तक घट गया। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? तो पहले ये बढ़ा स्मॉल बी तक, फिर स्मॉल बी से 2B कांस्टेंट, 2B से स्मॉल बी कांस्टेंट, और फिर घटता हुआ वापस आ गया। ये ग्राफ क्लियर है यहाँ तक? और फ्लक्स की वैल्यू पहले रीजन में कितनी है, जीरो से स्मॉल बी तक BLX चेंज हो रहा है, फिर चेंज होना बंद हो गया। अब अगला ग्राफ है EMF का। इंड्यूस्ड EMF क्या होती है? माइनस d∅dt। तुम जीरो से B में तुमने फ्लक्स क्या निकाला था? BLX, तो BL बाहर आ गया, dx/dt भी, तो इंड्यूस्ड EMF क्या है? माइनस BLV। लेकिन जीरो से 2B तक फ्लक्स कॉन्स्टेंट था, चेंज नहीं हुआ, इंड्यूस्ड EMF जीरो है। ये मत कहें कि फ्लक्स जीरो है, तुम बोले EMF जीरो है। तो ग्राफ EMF का देखो क्या बनेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पक्का पेपर में आता है, आपके टेस्ट में भी था EMI के, अभी जो ऑब्जेक्टिव था ऐसा ही तो था। अगर ये ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स का स्लोप कांस्टेंट है, तो EMF तो नेगेटिव है, ये पहले भी डिस्कशन हुआ था, EMF नेगेटिव से स्टार्ट करना, माइनस d∅dt, क्योंकि ये स्लोप क्या है? d∅dt, d∅dt पॉजिटिव है तो EMF माइनस d∅dt नेगेटिव है, और क्योंकि स्लोप कॉन्स्टेंट है तो EMF कॉन्स्टेंट है। फिर स्लोप कॉन्स्टेंट हो गई, d∅dt जीरो हो गया, तो EMF भी क्या हो गई? जीरो हो गई। फिर d∅dt नेगेटिव हो गया, तो EMF क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई, क्योंकि EMF तो माइनस d∅dt है ना, तो d∅dt नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। तो ये EMF का ग्राफ है। क्लियर है यहाँ तक? तो पहला फ्लक्स का ग्राफ क्लियर है, फिर EMF का ग्राफ क्लियर है, फिर वो करंट का ग्राफ कहेगा, बनाया नहीं इसमें बना लो, इंड्यूस करंट का ग्राफ। ये करंट है और ये करंट के साथ ऐसे बनेगा, तो ये करंट है जिसकी वैल्यू क्या है? BLV/R, और यहाँ पे फिर उसके बाद क्या आएगा? ये रहा BLV/R। जो ग्राफ EMF का बनेगा वही इंड्यूस करंट का भी बनेगा, क्योंकि EMF अगर माइनस BLV है तो करंट की वैल्यू माइनस BLV/R है, और EMF कांस्टेंट है करंट भी कांस्टेंट है, EMF पॉजिटिव है करंट भी पॉजिटिव है, तो ये करंट का ग्राफ बन गया, क्योंकि I=E/R ना, तो सेम वेरिएशन है इसकी। क्लियर है यहां तक? तो करंट का ग्राफ भी क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, जैसे करंट के ग्राफ ड्रॉ करने के बाद वो कहते हैं जी अब मेरे को फोर्स का ग्राफ प्लॉट करके दो। फोर्स का फॉर्मूला क्या था? B²L²V/R, याद करो क्या था हमने? ये फोर्स का फॉर्मूला है, तो ये फोर्स का फॉर्मूला है, लेकिन जब B और 2B की बात करते हो उसमें तो इंड्यूस करंट ही नहीं है, तो वहां पर फोर्स भी क्या हो जाएगी? जीरो। अब क्योंकि सेम वेरिएशन है, फोर्स की सेम स्टोरी है, अगर EMF नेगेटिव है, पहले इंटरवल में करंट नेगेटिव है, तो फोर्स भी नेगेटिव है, और फिर फोर्स क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। सेम ग्राफ है, बस फोर्स का फॉर्मूला चेंज कर देना, फोर्स का फॉर्मूला चेंज कर देना, बाकी सब सही है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, तो ग्राफ कांस्टेंट ही बनेगा इसमें, सेम वेरिएशन है, सबका ग्राफ तो सेम ही है। पावर, पावर का फॉर्मूला याद करो B²L²V²R था, सभी क्वांटिटीज पॉजिटिव है, नेगेटिव आ नहीं सकती, इसलिए पावर हर यहाँ और यहाँ क्या रहेगी? पॉजिटिव, नेगेटिव तो होगी नहीं, और जहाँ EMF नहीं वहाँ पावर भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के अंदर, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट इतना EMI तो करके आए फैराडेज़ लॉ।